करते हैं कुछ और अहम खबरों का। पंजाब दी राज्यसभा सीटां लई नामजदगियां दा जो आखिरी दिन है ते आम आदमी पार्टी ने अजे तक अपने उम्मीदवारां दा नां दा ऐलान नहीं कीता है। हालांकि कुछ नावां ते चर्चा जरूर चल रही है जिन्हां विच राघव चड्ढा, हरभजन सिंह ते संदीप पाठक दा नां शामिल है। तो पंजाब दी राज्यसभा सीटां दी नामजदगी जिहड़ा है उह भरन दा आखिरी दिन है ते आम आदमी पार्टी ने अजे तक अपने नां नहीं ऐलाने ने। हालांकि कुछ नावों से चर्चा चल रही है, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक जिन्हों के नाते चर्चा चल रही है। आप ने उम्मीदवार का हाले अधिकारित ऐलान नहीं किया है। दस दें कि पंजाब तो पांच राज्यसभा मैंबर का कार्यकाल जड़ा है वह खत्म हो जा रहा। 31 मार्च को राज्यसभा चोणों की वोटिंग होगी। सो अज नावों के ऐलान की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नामजदगी भरन का अज आखिरी दिन है। अजे विचकार जिहड़े संभावित चेहरे ने उस विच राघव चड्ढा दिल्ली की रजिंदर नगर सीट तो आप दे विधायक ने जिन्हां दे नां ते चर्चा चल रही है। सो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी ने राघव चड्ढा। पंजाब चोणां विच पार्टी की जित विच बहुत अहम भूमिका राघव चड्ढा ने निभाई है। अजे विचकार पार्टी उन्हां नूं होर जिहड़ा है राज्यसभा विच भेजण की तैयारी विच है। पंजाब च पार्टी के सह इंचार्ज ने अन्ना अंदोलन दौरान अरविंद केजरीवाल दे नाल राघव चड्ढा जुड़े रहे। उधर क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम से भी चर्चा है। उम्र 41 साल है जो कि 24 दिसंबर 2021 को कौमांतरी क्रिकेट तो उन्होंने संन्यास ले चुके ने ते आप दे संभावित उम्मीदवार ने। टर्बिनेटर के नाम तो जाने जाते हैं हरभजन सिंह जिन्हों के नाते चर्चा चल रही है। हरभजन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुखी बनाए जाने दी चर्चावां भी है। हालांकि उन्होंने नाते किसी को कोई इतराज जड़ा है फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। इस अलावा जिहड़े एक होर नाते चर्चा चल रही है संदीप पाठक पंजाब चोणां लई पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार रहे ने। संदीप पाठक जिन्हों के नाते चर्चा चल रही है परदे पिछे रह के उन्होंने काम किया है। अजे विचकार पार्टी उन्होंने राज्यसभा लई उन्होंने नाम का ऐलान कर सकती है। चोन रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नाल भी संदीप पाठक ने काम किया है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर रहे ने संदीप पाठक। हालांकि संदीप पाठक होर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो जिन्होंने PhD की उन्होंने नाते इतराज़ जरूर जताया जा रहा है कि ये बाहरले जड़े ने ना उन्होंने चर्चा चल रही है जिन्हों वालों कांग्रेस वालों खास तौर पर इतराज़ जताए जा रहे हैं।